dad had got emotional one day. क्योंकि मैं जो फर्स्ट डे मेरे एक कॉलेज में लेक्चर देने सुबह जा रहा था, डैड सेड कि प्रदीश तू वो लड़का है जिसको मैं सुबह सुबह स्कूल ड्रॉप करता था, तो स्कूल के गेट पे खड़े होकर तू फ्रीज होता था। बिकॉज आई मुझे डर लगता था कि मैं पहले 40 मिनट स्कूल नहीं जाऊँगा, बिकॉज जब स्कूल जाते थे फर्स्ट नमस्कार, मैं हूँ लेस्ली त्रिपाठी। इन्फ्लुएंस टॉक में आज हम बात करेंगे। ही इज नोन एज एन इन्फ्लुएंशियल वॉइस ऑफ इंडिया एंड हिज नेम इज प्रजिश प्रभाकरन। हाय प्रजिश, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। हु हैज ओवरकम स्टैमरिंग, इज यूजिंग हिज वॉइस फॉर ऑल द गुड पर्पसेस। यू आर अ सीनियर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इन राजश्री प्रोडक्शन, वाओ। And most interestingly, you do food reviews for your channel. Mumbai ke chupiras. Mumbai ke chupiras. Okay, that's how did you come up with this name? So I mean, the basic idea was we wanted to do something different, something out of the box rather than the normal shows. And what I thought was because I am a foodie. Yeah. I wanted to make people's life easy, जो मेरे जैसे foodies और हैं, मतलब काफी लोग हैं। तो मुंबई के ऐसे छुपे रुस्तम जिनको जो बहुत ही unusual है, जो बहुत ही अलग है, but ज़्यादा लोगों को नहीं पता। Okay. Because लोगों ने मुंबई को stereotype किया कि मुंबई मतलब पाव भाजी या वड़ा पाव, but उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी ऐसी जगह मैं ढूंढता हूँ और लोगों तक पहुँचाता हूँ। लुक अप टू यू। आप अगर रिव्यू दे रहे हो तो आई थिंक दे विल गो देयर। आई थिंक एंड आपके लिए उनके वैल्यू भी बढ़ती है एंड आई थिंक क्या कहते हैं उसे कमर्शियली भी उनकी बिजनेस बहुत आगे जा रही है। मुझे स्टैमरिंग के बारे में बताएं। यू हैड अ प्रॉब्लम जब आप ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, बट आपने बुलिंग सहा है, प्लस ये सब सहने के बाद आपने डिसाइड किया कि मैं ये जो बुलिंग से नहीं डरने वाला हूँ, आगे बढ़ूंगा एंड खुद अपने आप को आपने क्योर किया, हील किया एंड नाउ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग अप टू यू एज अ पावरफुल वॉइस। सो इट्स लाइक बेसिकली स्टैमरिंग हैज बीन समथिंग जिसने मेरे लाइफ को शुरुआत में ही रोक दिया था और उसको मैंने बाद में रुकने नहीं दिया। मैं जब भी आई वॉज इन सेकेंड स्टैंडर्ड और समथिंग, जब मैं स्कूल गया था, आई वॉज अ नॉर्मल चाइल्ड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं स्कूल गया था और स्कूल से बाहर निकल के धूप थी, मैं वॉक करते करते मेरी मॉम गेट के बाहर खड़ी थी, मैं वहाँ तक जा रहा था और बीच में आई फेंटेड, मैं बेहोश हुआ। तो वहाँ स्कूल के जो टीचर्स थे उन्होंने मेरे मॉम को अंदर बुलाया और जितने पेरेंट्स और टीचर्स सबने मिल के मुझे पास वाले क्लिनिक में ले गए। हम वो क्लिनिक में गए, वहाँ पे मुझे एडमिट किया। तो एक पर्टिकुलर टैबलेट है जो लोग अभी भी खाते हैं, उसको हम फुल पूरा एक जो टैबलेट है वो ग्रोनअप्स भी नहीं खाते, उसका उतना डोज होता है। तो मैं बच्चा था और मुझे पूरा एक टैबलेट दिया गया। वो टैबलेट दिया, बुखार तो मेरा निकल गया और जो तबीयत खराब हुई थी वो सब नॉर्मल हुआ। बट उसके बाद आई एम अ साउथ इंडियन, तो हम लोग मॉम को अम्मा करके बुलाते हैं। तो मैं मम्मी को बुलाने जा रहा, तो अम्मा कहने जा रहा था, तो आप पे मैं अटक रहा था। ओके, तब से शुरू हुआ, उससे पहले यू वर नॉर्मल चाइल्ड, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम विदाउट एनी स्टैमरिंग, नथिंग। तो सेकंड क्लास से ही शुरू, सेकंड क्लास से, और अगले दो हफ्ते तक मैं बात ही नहीं कर पा रहा था। सब लोग डर गए, मॉम डैड तो ऑब्वियसली वो लोग प्रे वगैरह करने लगे। बट उसके बाद मैंने ट्राई कर करके आई स्टार्टेड स्पीक, बट मैं जैसे स्कूल गया मैंने रियलाइज किया कि जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे कंधे पे हाथ डाले घूमते थे, साथ में के टिफिन खाते थे, अभी मैं उनके लिए स्पेशल हो चुका था। बिकॉज वो लोग आपस में गैंग अप करते और बोलते यार इसको तो अभी ना छिड़ाना है, मजाक उड़ाते थे, ये हकलाया। तो मेरे को हमेशा से था कि मेरे को लाइफ में कुछ नहीं करना, मुझे मीडिया में जाना ही है। और वो टाइम में लोगों के लिए मीडिया मतलब होता था एक तो एक्टर या फिर न्यूज रीडर, बट मीडिया में उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो हर कोई एक ही चीज़ बोलता था, मेरे पेरेंट्स भी था कि यार तुम अपने बेटे को ज़रा समझाओ, वो बोलता तो है कि उसको एक्टर बनना है, मीडिया में जाना है, बट तुझे खुद को पता है कि ही कांट इवन स्पीक, और जो बंदा बात नहीं कर सकता वो क्या करेगा। एक काम करो, रेलवे स्टेशन पे स्टाफ सिलेक्शन के फॉर्म मिलते हैं, वो फॉर्म भरो, रेलवे में उसको नौकरी मिल जाए, क्लर्क वर्क का काम कर लेगा, उधर से लिखने का काम होता है, बात करना नहीं होता।
बिकॉज वो बात करने ट्राई करेगा उससे हो नहीं पाएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे उससे मत करो. तो वो मैं तो डीमोटिवेटेड था, मेरे पेरेंट्स को भी डीमोटिवेट किया एंड दे वर वरीड फॉर मी कि हम लोग की वजह से ऐसा हुआ, हमने उसको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया. ये सारी चीज़ें होते गई बट आई डिड नॉट गिव अप. मुझे पता था ठीक है लोगों को बोलना है तो बोलने दो. जहाँ भी जाता था आई डोंट रिमेंबर इवन वन फेस जो मुझे वो डायरेक्ट नहीं था, जो सबको मुझे रोते देखना एग्जैक्टली बिकॉज आई डोंट थिंक स्टैमरिंग इज नथिंग. प्रॉब्लम होता है इट्स नॉट अ डिजीज कि आप लोगों को ऐसा ट्रीट करो. लोगों को मजा आता था, वो लोग मुझसे बोलते भाई ये वर्ड तो बोल के दिखा, बिकॉज उनको पता है मैं अगर ये वर्ड बोलूं उसी बीच में दो तीन बार अटक रहा हूँ देर तो मजा आ उनको मजा आता था उसमें. They were picking on you, है ना? उनको मजा आ रहा था कि इससे कुछ मजाक उड़ाया जाए. Because in some ways you was different from the normal people. You was special in a way and you made it a very वहाँ से you have come so high. How do your friends react to that? So what had happened was ये anxiety and depression की वजह से मैं एग्जाम नहीं लिख पाता था. मैं जाके पेपर लिखने की कोशिश करता था एंड आई यूज्ड टू गो ब्लाइंड. मैं सेवन स्टैंड फेल हो गया तो मैं स्कूल में प्राइवेट फॉर्म आता है 17 नंबर फॉर्म बोलते जो लिख के अपन 10th स्टैंडर्ड बाहर से दे सकते. मैंने प्राइवेटली अपीयर किया, मैंने पास किया, 12th स्टैंडर्ड भी पास हो गया. 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद BMM करके एक कोर्स है जो बैचलर ऑफ मास मीडिया. तो वो टाइम में 2009 के टाइम में वो चीज बहुत बूमिंग था, हर कोई बोला BMM भी. तो मैंने घर पे मेरे घर वालों का सपना था बेटा CA बने या इंजीनियर बने और मुझे पता था मुझसे नहीं हो पाएगा. मेरा दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू. तो 12th पास होके जो BMM के बीच का जो टाइम था वो दैट वॉज द टाइम कि मुझे घर पे बताना था कि मैं कुछ कर सकता हूँ. गूगल करके यूट्यूब करके लोगों के एक्टर्स के इंटरव्यूज सुन के मुझे पता चलता था कि ऑडिशंस कैसा दिया जाता है, स्ट्रगल कैसे किया जाता है. तब मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया. मैं फिल्म सिटी जाता था, अंधेरी में श्री जी होटल है वहाँ जाता था, एक एक जगह पे जाता था. और आई वॉज लाइक अ लैंकी किड, छोटा सा हाइट में पतला सा, कोई देख के बोलेगा कि नहीं कि इसको एक्टर बना. मैं उधर जाके लोगों को देखता था और देखते ही मैं डर जाता बिकॉज आई शू वो देना मुझे 6 फुट के गोरे गोरे एकदम बॉडी के साथ बंदे खड़े और मैं ऐसा एक लड़का पड़ा है. कल्याण में मैं रहता हूँ, कल्याण से अंधेरी आना इज लाइक फॉरेन कंट्री जाना हम लोग के लिए. तो मैं उधर जगह आई वो ग्लैमर और ये देखे मैं ही हो जाता. बट देन आई सेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा. ऋतिक रोशन के इंटरव्यू देखे जहाँ पे वो बता रहे कि उसको स्टैमरिंग की वजह से क्या रहा एंड उस इंटरव्यू में देखने के बाद ट्रस्ट मी आज भी मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में वो वीडियो है. व्हेनेवर आई फील डाउन, व्हेनेवर आई फील भाई तुझसे नहीं हो पाया, मैं वो वीडियो देखता हूँ. वो बंदा जिस जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाके ऑर्डर नहीं दे पाता था आज लाखों करोड़ों लोगों एग्जैक्टली. तो मैंने देखा यार अगर मैं तो उतना तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, एटलीस्ट मैं चाहता हूँ तो बोल सकता हूँ. एंड देन आई रियलाइज मैं जब कैमरा के सामने आता हूँ आई डो नॉट स्टैंड. मैं जब लोगों के सामने स्टेज पे खड़े होकर बात करता हूँ आई डो नॉट स्टैंड. कॉलेज फेस्टिवल्स में मुझे रोकते थे यार तुझसे नहीं हो पाया, तू क्या ड्रामा और मैं पार्ट लेना. मैंने धीरे धीरे करके स्टेज शो स्टार्ट किए, BMM स्टार्ट किया तो वहाँ पे BMM फेस्टिवल्स होते थे. तो कॉलेजेस में मैं स्टेज शोज पे ड्रामा करता था, मेरे कॉलेज वाले शॉक हो जाते यार ये तो बड़ी बड़ी है ऐसा कैसा बोल रहा है. So, there's this power. I mean, whatever you have pursued बचपन से, TV, cameras, and the fan following, love of masses, you got it. जो आपको स्कूल टाइम में नहीं मिला, जो आपको बुली करके डिप्रेशन में ले गया, like that mode that you had a time like that, but you have risen so high. Because I had that hunger in me कि यार मुझे एक चांस मिल जाए कैमरा के सामने मैं कर सकता हूँ, but किसी ने मुझे चांस नहीं दिया. I joined this place called Scoopwhoop. जो मैंने आज से दो साल पहले मैं ज्वाइन किया था. वहाँ मैं एज अ प्रोड्यूसर गया था बट वहाँ मैंने देखा इट्स अ डिजिटल चैनल जो दुनिया भर देखते हैं बट वहाँ पे मेरे पास एक चैनल. तो स्कूपवूप में चैलेंजेस के काफ़ी वीडियोस होते थे, फूड चैलेंजेस, फनी चैलेंजेस. तो मुझसे कहा गया था कि अब से ये शो तू स्टार्ट कर. मैं स्टार्ट किया ऐसे यार आज मैं खुद जांच लूँगा, मैं जा रहा हूँ. मैंने एक वीडियो में पार्टिसिपेट किया और वीडियो में देयर वर मोर देन 7 पीपल इन द वीडियो. वीडियो अपलोड हो गई, नेक्स्ट डे मेरे दोस्त ने मुझे भाई कॉमेंट सेक्शन चेक कर, फेसबुक पे कॉमेंट चेक किया एंड आई हैड रेड हेयर एट दैट टाइम. एवरी इवन इन द कॉमेंट सेक्शन बोल रहे दिस रेड हेयर गाय इज सो फनी. हर कॉमेंट में एक रेड हेयर गाय, रेड हेयर गाय, रेड हेयर गाय.
बीच में 4-5 वीडियो किए, उसके बाद 2-3 वीडियो में मैं नहीं था, 2-3 वीडियो में मैं नहीं था, लोगों का कमेंट था इफ द रेड हेयर गाइस नॉट देयर इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर अनसब्सक्राइबिंग द चैनल। हां तो दैट वाज समथिंग, मैंने वो कमेंट पढ़ के मैं एक्चुअल में रोने लग गया। मैं बोला कि यही चाहिए था मुझे हमेशा, बिकॉज लोग नहीं मानते थे। मैं बोलता भाई मैं कर लूँ, तो बोलते हर कोई बोलता मैं कर लूँ, मतलब मैंने पहली बार आया मैंने करके दिखाया। मैं वो कंपनी क्विट करने के बाद मैं राजश्री में ज्वाइन किया, ज्वाइन हियर एज अ सीनियर प्रोड्यूसर। यहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे एक चांस मिला कि क्योंकि हम लोग एक एंकर हंट कर रहे थे, क्योंकि नया शो चल, मेरा कॉन्सेप्ट था, मैं डायरेक्टर था, मैंने मेरे सीईओ को अप्रोच करके अपने को एंकर का ऑडिशन देते। सीईओ ने मुझसे कहा कि तुम कौन सा एंकर से करो, तुम करो ये शो। मैंने फर्स्ट एपिसोड शूट किया, उनको देखो, उन्होंने बोला ये शो अब बंद नहीं होगा, ये शो चलता रहेगा। एंड दैट्स हाउ आई बिकेम द एंकर ऑफ द शो। मैंने अपना शो चल गया, सीजन 2 भी हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद एक चीज, वॉइस ओवर करना है, कहीं भी कुछ ट्राई करना, आई डू नॉट शाई अवे, मतलब करना है ना हो जाएगा। एंड वो BMM फेस्टिवल्स होता, कॉलेज फेस्टिवल्स में मुझे पार्ट लेने से लोग रोकते थे। अभी मुंबई के 3 कॉलेजेस में आई एम अ लेक्चरर, मैं उन्हीं व्हिच कॉलेजेस आई टीच इन ओरिएंटल कॉलेज इन सांपाड़ा, आई टीच इन तिलक कॉलेज इन वाशी, ये सारे कॉलेजेस में मैं सिखाता हूँ। तो माई डैड हैड गॉट इमोशनल वन डे, क्योंकि मैं जो फर्स्ट डे मेरे एक कॉलेज में लेक्चर लेने सुबह जा रहा था, डैड सेड कि प्रदीश तू वो लड़का है जिसको मैं सुबह सुबह स्कूल ड्रॉप करता था, तो स्कूल के गेट पे खड़े होकर तो फ्रीज होता था, बिकॉज आई मुझे डर लगता था कि मैं पहले 40 मिनट स्कूल नहीं जाऊँगा, बिकॉज जब भी स्कूल जाते थे फर्स्ट थिंग होता था अटेंडेंस। टीचर हर किसी को टीचर रोल नंबर बोलती थी और प्रेजेंट टीचर बोल रहा होता, और मैं प्रेजेंट टीचर बोलने जाता मैं प बोलता था, उससे आगे नहीं, और लोग हंसते थे। डैड बोलते तुझे उस चीज़ का डर था, आज तू 60 बच्चों के सामने खड़े होकर उनका अटेंडेंस तू लेने वाला है और उनके सामने सिखाना। सो तू लाइफ में कुछ भी कर, मेरे को तू लाखों रुपया लाते थे आई डोंट केयर, बट आज जो तू जाके वहाँ पर खड़े होने वाला है ये तेरा नहीं, आई हैव वन। मेरे अंदर जो गिल्ट था कि मेरा बच्चा स्कूल जाने से भी डर रहा है, आज मेरा बच्चा कॉलेज जाके लोगों को सिखा रहा है, दिस इज सक्सेस फॉर मी, मुझे और कुछ नहीं। अमेजिंग जर्नी दैट व्हाट हैपेंड, एंड फिर आई डिड नॉट स्टॉप माय सेल्फ, मैं चलते गए। टुडे आई गेस एक डिसेंट जगह पे मैं एटलीस्ट पहुंच चुका हूं, एंड मोस्ट ऑफ योर ड्रीम्स हैव कम ट्रू, टच वुड, आफ्टर इट हैज कम ट्रू। ऑलराइट, सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स? इन नेक्स्ट 5 इयर्स I would see myself as a creative head in a media company, or I myself will start a media company where I'll hire people who has disabilities but they are getting rejected, because मेरे जितने भी videos रहे हैं उसके नीचे बहुत सारे लोगों के comments आए, मुझे तब पता चलता है कि यार मैं अकेला नहीं। मेरे Humans of Bombay के video के article के नीचे Hrithik Roshan का खुद का comment था कि do not worry you are not alone. Okay. Not a disability, कोई worst चीज़ नहीं है वो, stammering के साथ हर कोई जी सकता है। अगर एक बंदा superstar बन सकता है, global superstar बन सकता है, तो हम सब एटलीस्ट नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में कुछ तो कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़, कोई लोग रोक रहे हो या कोई चीज़ हो तो बोल हाँ भाई मैं stammer करता हूँ तो क्या हुआ, मैं stammer करता हूँ, मुझे बात करने का सारा हक है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अच्छी ज़बान है जो बात कर सकते हैं, बट ज़रूरत के टाइम पर कोई बात नहीं करता। आप अगर स्टैमर हो के भी यू, इफ़ यू कैन स्टैंड अप एटलीस्ट फॉर योरसेल्फ, यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। सो इसीलिए ऐसे जो लोग जिनके पास टैलेंट है बट अननोटिस हो जाते हैं, ग्लैमर और नेपोटिज्म में लोगों को मिलता है बट जो लोग डिजर्व कुछ नहीं मिलता, मैं यही ट्राई करूँगा। मेरा यही एम है कि कुछ टाइम बाद जाके मैं एक ऐसी जगह बनाऊँ या एटलीस्ट मैं कंपनी में एम्प्लॉय भी रहूँ, मैं ऐसे लोगों को लाना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे जैसा लाइफ जिया है। आपके पास, आपको करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है बट करने को ही दे नहीं है। सो या दैट्स व्हेयर आई सी मायसेल्फ, यू आर हियर टू हेल्प द पीपल इन नेक्स्ट 5 इयर्स। आई थिंक द वर्ल्ड इज अ प्ले गेम, आई मीन आई थिंक वी विल सी व्हाट प्रजिश इज डूइंग नेक्स्ट। आई थिंक इट विल बी समथिंग बिग, ह्यूज, लॉट ऑफ पीपल ओव इट टू यू एंड लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग अप टू यू। I hope so. I can help at least. Succeeding and keep making us proud. We are rooting here for you. Thank you so much.